हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शक्कर पारा की रेसिपी, शंकर पारे की रेसिपी। और बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आप लोग इसे पहली बार भी बनाना चाहते हो तब भी आप लोगों की शंकर पारे इतनी ही अच्छी परफेक्ट बनेगी। मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितनी आसानी से ये टूट गई है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और ये देखिएगा बिल्कुल बिस्किट की तरह। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा, और मैदे को हमें मेजर करके लेना होगा। तो मैंने मेजरिंग कप लिया है, आप लोग चाहो तो मेजरिंग कप की जगह पे एक बोल भी यूज़ कर सकते हो। तो मेजरिंग कप के हिसाब से मैं भी इसे ले रही हूँ, और इसी कप से मैं चीनी को भी मेजर करके लेने वाली हूँ। तो हम लेंगे 2 कप मैदा, और इस मैदे में अभी डालना होगा गर्मा गर्म घी। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप घी। तो इस घी को हमें अच्छे से गर्म करना है। तो घी से अभी भाप आना स्टार्ट हो गया है, अच्छे से गर्म हो गए हैं। तो अब गैस के फ्लेम को बंद करके इसे डाल देंगे इस मैदे में। और अभी घी गर्मा गर्म डाल दिया है, तो सबसे पहले चम्मच से इसे मिक्स करेंगे। और जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करके लेना है। तो इस तरह से इसे हमें मिक्स करना है ताकि ये जो घी है वो आटे के साथ में अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने घी और आटे को अच्छे से मिला दिया है, और इस तरह से देखिएगा मुट्ठी में दबाने से ये इस तरह से हो जाती है। तो आटा भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पे ली है 3/4 कप। वैसे ज़्यादा मीठा नहीं बनेंगे, अगर आप लोगों को और थोड़ा सा मीठा पसंद है तो 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर सकते हो। नमक डाल देंगे चुटकी भर, और इसे पहले मैं अभी मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लेना है। तो आटा जो है ना वो हमें थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ के तैयार करना है, ना ही सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा टाइट। तो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। तो पानी ना हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डाल के इसे गूंथ लेना होगा। तो आटे को मैंने यहाँ पे गूंथ लिया है, देखिएगा इस तरह से आटा यह भी गूंथ के तैयार है, ना ही सॉफ्ट ना ही ज़्यादा सख्त। तो अब इसे रख देंगे रेस्ट के लिए। तो करीबन इसे आधे घंटे के लिए हमें रेस्ट के लिए रख देना है। तो यहाँ पे अभी 30 मिनट हो गए हैं। आटे को हमें हल्के हाथ से थोड़ा सा गूंथ लेना है, 2-3 मिनट के लिए इसे गूंथ लेंगे, ताकि ये ना अभी रेस्ट के बाद इसमें जो घी होती है ना थोड़ी सी सूख जाती है। तो उसे सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा इसे गूंथना ज़रूरी है, और इसे हमें बेल लेना है। तो जितना जाड़ा हम लोग पराठा बनाते हैं ना, तो उस तरह से इसे बेल लेंगे, ना ही बहुत जाड़ा और ना ही कम। तो मीडियम गाढ़ा हमें इसे बेल के लेना है। तो देखिएगा इतना गाढ़ा मैंने इसे बेल के लिया है। और अब इसे हमें शेप देना है। तो आप लोग चाहो तो इसे डायमंड शेप में कट कर सकते हो या फिर स्क्वायर शेप में। तो इस तरह से देखिएगा हमें अभी शंकरपारी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ये बना ली है, और बाकी का जो मैंने अभी पीसेस जो कट करके रखे थे तो उसे भी मैं यहाँ पे बेल के अभी इसकी मैं शंकरपारी बना के ले रही हूँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। थोड़ा सा आटे को डाल के हमें तेल का जो टेम्परेचर है वो इस तरह से चेक करके लेना है। तेल जो है वो मीडियम गरम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा आटा डालने के बाद तुरंत वो ऊपर आ जाता है बिना ब्राउन हुए, तो फिर तेल जो है ना वो हमारा मीडियम गरम हो गया है। तो उसके बाद है ना हमें फिर इसमें शंकरपारी डाल के इसे हमें फ्राई कर लेना है। और इस तरह से हमें इसे हल्के हाथों से लगातार मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, और इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे शंकरपारी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे मैंने एक बैच को अभी
इसे फ्राई कर लिया है, बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके शंकर पहले डाल के फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा एक साथ ही इसमें नहीं डालना है। और इस तरह से ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिएगा इस तरह से शंकर पाले को डाल दिया है, तो इस तरह से आप लोग साथ में शंकर पाले को डाल सकते हो। और शंकर पाले को हमें फ्राई करना है मीडियम गरम तेल में ही, याद रखिएगा। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर शंकर पाले क्या है, ऊपर से फ्राई हो जाती है और लेकिन अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा, तो इसीलिए तेल का मीडियम गर्म होना ज़रूरी है ताकि शंकर पाले अच्छे से अंदर से फ्राई होके आ जाए। तो यहाँ पे मैंने भी दूसरे बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और बाकी का थोड़ा सा बाकी है तो उसे भी मैं फ्राई करके लूँगी। अगर आप लोग पहली बार इसे बनाना चाहते हो तो आप लोग चाहो तो थोड़े से क्वांटिटी में इसे बना के ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से इसे बनाना है, उसके बाद आप लोग इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के ले सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे अभी शंकर पाई मेरी बनके तैयार है, एकदम खस्ती बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर से मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, टेक केयर एंड बाय बाय।